बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ओके, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो जिस डिजिट की, या जिस डिजिट पे हमें डाउट हो, ठीक है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको इसकी ऐसे देती हूँ, आपकी बुक में भी है एग्जाम्पल। तो क्या है, हमने क्या करते हैं, हम क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं कि आपने एक बुक की लेंथ मेजर करनी है। लेकिन हमने उनको क्या किया, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिए। एक को हमने मीटर रॉड दिया और एक को हमने मेजरिंग टेप दी, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास मीटर रूल से जिन्होंने फाइंड किया है बुक की लेंथ, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ, ठीक है। यहाँ पे अब 10 में हमारे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो 1 है हमारे पास, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। 1 जो है उस पर हमें डाउट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट है हमारे पास। लेकिन 0 पे हमें डाउट है, क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ 10 है और कुछ कह रहे हैं 11 है। तो इसलिए हम क्या है, इस पर हमें डाउट है कि या तो यहाँ पे 10 आना है या 11 आना है। 1 तो एग्जैक्ट वही रहेगा, 0 की जगह 1 आना है या 0 आना है, ठीक है। अब उसी बुक की लेंथ जो है वो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ने, दूसरे ग्रुप ने फाइंड की, वो क्या कह रहे हैं कि 10.3 है। अब यहां से हमें पता लग रहा है कि 10 तो ठीक है, कि 10 तो आना ही आना है, लेकिन 3 जो है वो यहाँ पे क्या है, डाउटफुल डिजिट है। यहाँ हो सकता है यहाँ पे 3 आए या 4 आए या क्या आ सकता है, ठीक है। यानी कि 10 अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, जो है वो नॉन डिजिट आ गया, और 3 जो है वो इसमें डाउटफुल डिजिट आ गया। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स डिपेंड अपॉन, एक्यूरेसी हमारे पास जो मेजरमेंट में आती है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना, यानी कि उसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि हम कोई आम से इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड कर सके, ठीक है। लेबोरेटरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका उस अपने वर्क में स्किल होना उसके पास बहुत जरूरी है, यानी कि उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक दफा एक एक्सपेरिमेंट को किया तो आपके पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। जितनी दफा आप उसको ज्यादा उसकी मेजरमेंट्स फाइंड करेंगे, जितनी ज्यादा उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी मेजरमेंट्स उतनी ज्यादा एक्यूरेट होती जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जिस तरह कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एक्यूरेसी, इसी तरह हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि जीरो के अलावा जो हैं काउंटेबल डिजिट्स, वो तमाम जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे 1 से लेके एंड सो ऑन 9, ये सारे जो हैं हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और सेकेंड रूल है हमारे पास, 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर 0 आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है तो वो तब भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है 2705। अब 7 और 5 जो हैं वो क्या, हमने अभी ऊपर वाले जो है रूल में पढ़ा कि वो क्या है, सिग्निफिकेंट। अब उन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस तरह यहां पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हुई, 4, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, फाइनल और एंडिंग 0 ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर हमारे पास डेसिमल में जो है वो 0 आ रहा है राइट साइड पे, ठीक है, एक्सप्रेशन में राइट साइड पे अगर 0 आ रहा है किसमें, डेसिमल प्लेस में, तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल है आपको नीचे दी हुई, उसमें क्या है, 0.02070, ठीक है। अब जो 2 और 7 के दरमियान में 0 आ रहा है वो तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, जैसे हमने ऊपर वाले रूल में देखा, सेकंड वाले रूल में। अब थर्ड वाले रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल में जो राइट साइड पे लास्ट 0 है वो भी किसमें काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई, 4। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास डेसिमल हो और उसके लेफ्ट साइड पे 0 आ रहे हों तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये भी हमने रूल पढ़ा,
एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं क्या है हमारे पास 0.00467, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3 है, जो कि क्या है 467, ठीक है। 5 वाला पॉइंट है हमारे पास इन होल नंबर, होल नंबर यहाँ मतलब कि जो डेसिमल के बगैर हो, ठीक है, दैट एंड इन वन और मोर जीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो वो क्या है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है सिग्निफिकेंसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी। उसमें हमें वो बताएगा कि जितनी उसका लीस्ट काउंट होगा उतने ही हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे एक एक्सप्रेशन है आपको दिखाया गया 5000 kg है, यानी अब इसमें हमने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताने हैं कितने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब मैं सपोज कर लेती हूँ कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट है से रीडिंग ले रहे हैं 5 kg गंदुम है, ठीक है, उसकी क्या है रीडिंग हमें वो क्या कहते हैं उसमें 1 kg जो है वो उसका लीस्ट काउंट है, यानी कि अगर मैं 1 kg उस गंदुम में डालूं या मैं उसमें से निकाल लूं तो हमें क्या देगा उसमें डिफ्लेक्शन शो करना आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है 1 kg। इसी तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 5000 kg में जो थर्ड वाला जीरो है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि 1 kg है उसका, तो इसमें क्या आएगा डिफ्लेक्शन शो होना शुरू, तो इस जीरो का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो है वो 4 है, ठीक है। अब नीचे वाले एग्जांपल में आपको नजर आएगा कि वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी, है 3 होगी। अब हमने सपोज किया कि हम जो इंस्ट्रूमेंट हम किसी और है उसी 5 kg गंदम को हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट से जो है वो फाइंड किया, ठीक है, अब वो क्या है वहां पे वो 1 kg को मैं अगर उसमें डाल रही हूँ या निकाल रही हूँ वो डिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा, इसकी क्या रीजन है कि उस इंस्ट्रूमेंट का जिसे हम अब फाइंड कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 kg है, यानी कि मैं 10 kg डालूंगी या निकालूंगी तो वो तब मेरे पास डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड वाला जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे तो उसमें डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रही तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, इसलिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसीजन, यानी कि जितनी किसी हमारे पास एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जितनी ज्यादा होगी वो वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी। राउंडिंग द नंबर्स, यहाँ पे राउंडिंग नंबर्स को करने के लिए हमारे पास कुछ 3 रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। If the last digit is less than 5, then it is simply dropped. अगर क्या है last digit हमारे पास 5 से कम है तो वो हम उसको significant figure में count नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 1.943, तो 3 जो है वो 5 से less है इसलिए हमने उसको क्या कर दिया drop कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास significant figure की तादाद कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। अच्छा सेकंड रूल हमारे पास क्या है, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अब क्या है 5 से ग्रेटर हो देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इंक्रीज बाय 1, और अगर वो 5 से इंक्रीज है तो उसका लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है 1.47, अब 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 जो था वो एक नंबर इंक्रीज करके क्या बन गया 5 बन गया 1.5, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हुई 2, ठीक है। थर्ड रूल है हमारे पास इफ द लास्ट डिजिट इज 5, अब क्या है लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो देन इट इज राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, ठीक है, तो हमने क्या करना है उसको नियरेस्ट इवन नंबर जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 1.35, अब लास्ट वाला फिगर जो है वो क्या है 5 है, तो नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो क्या है ऑड नंबर है, उसको हमने इंक्रीज किया चेंज किसमें कर दिया नियरेस्ट जो है इवन नंबर किसमें 4 में, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है 1.45, अब 5 था वो लास्ट डिजिट है, ठीक है, अब उसे नेक्स्ट वाला डिजिट वो ऑलरेडी क्या है इवन है तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आएगा 1.4, तो दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी हुई 2। ओके हियर इज अ टास्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल 1.4, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है 1.4, उसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है, आपने उसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की जो है वो तादाद बतानी है कितनी है और क्यों, उसकी रीजन भी बतानी है। आई होप आपको रूल समझ आ गए हैं और आप इसको अच्छे से कर लेंगे, गुड लक।
आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।